65 लोगों का ऑपरेशन हुआ। कितने डॉक्टर? एक डॉक्टर। रविवार को फ्री कैंप चलाते हैं वो, रविवार को फ्री कैंप चलाते हैं। हाँ, उसमें कुछ पेइंग पेशेंट भी थे, दोनों मिक्स था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। हम इस वक्त मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में हैं, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी हॉस्पिटल में 22 नवंबर को ऑपरेशन थिएटर है। यहीं पर 22 नवंबर को 65 लोगों का ऑपरेशन किया गया था इसी के अंदर, जिसके बाद कई लोगों की आँख की रोशनी चली गई, जिसके बाद मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल और SKMCH ने जांच की, कन्याई टीम ने इस पर रोक लगा दी है। यहाँ पे ताला लगा हुआ है, देख सकते हैं इसमें ताला लगा हुआ है। और उस दिन जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन और इसी ऑपरेशन थिएटर में हुआ था, जिसके बाद उन लोगों को वहाँ पे रखा गया था, OPD है, OPD में रखा गया था, जिसके बाद हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि क्या हालत है, OPD में क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्या हकीकत है OPD के, जो उस दिन जो कर्मचारी थे उन लोग क्या कुछ कहते हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पर ऑपरेशन थे के बाद लोगों को रखा जाता है। और आप थे उस दिन क्या? हाँ थे। इस रूम में क्या होता है, मतलब? यहाँ पेशेंट को रखा जाता है ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के बाद कितने बेड हैं यहाँ पर? इसमें 33 बेड है। 33 बेड लोगों को रखा जाता है। जी। अच्छा, उस दिन हुआ क्या था, कितने लोगों का ऑपरेशन हुआ था? 65 लोगों का ऑपरेशन हुआ था। कितने डॉक्टर थे? एक डॉक्टर। बाहर से बुलाया गया था डॉक्टर? जी बाहर से बुलाया गया था। वो पहले शायद काम करते थे इसी अस्पताल में? हाँ, पहले 2015 में थे यहाँ CMO। 2015 में थे जी, उसके बाद आप यहाँ छोड़कर अपना क्लिनिक वगैरह खोल लिए। अच्छा, उस दिन जो ऑपरेशन हुआ था वो किन लोगों का हुआ था, कैसे लोग थे वो लोग, गरीब लोग? उस गरीब लोग जो रविवार को फ्री कैंप चलाते हैं वो, रविवार को फ्री कैंप चलाते हैं। हाँ, उसमें कुछ पेइंग पेशेंट भी थे, दोनों मिक्स था। जी, तो उन लोगों की स्थिति कैसे खराब हो गई, क्योंकि आपके हॉस्पिटल पहले तो कभी की अब पहले कुछ नहीं हुआ, अब उस रोज, अब इन्फेक्शन के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। अब जांच हो रही है, जांच से पता चलेगा कारण क्या था, कहां से इन्फेक्शन का फैलाव हुआ, क्योंकि इस बारे में तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती है। अच्छा, उस दिन जैसे हर दिन ऑपरेशन होता है उसी तरीके से? एकदम सेम जैसा होता है उसी तरीके से हुआ था। अच्छा, आपके अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं? दो डॉक्टर हैं अभी। उस दिन थे कि नहीं? उस दिन छुट्टी पर थे। छुट्टी पर थे जी, छुट्टी पर थे, मतलब बाहर से बुलाया गया था डॉक्टर? हाँ, बाहर से बोले ना, बाहर से डॉक्टर एंडी साहू आए थे, उनको जी 65 ऑपरेशन उन्होंने किया। 65 ऑपरेशन किए। तो यही वो वार्ड है जहाँ ऑपरेशन करने के बाद लोगों को रखा जाता है। और वार्ड की स्थिति देखिए किस तरीके से वार्ड है। और कर्मचारियों ने बताया कि 65 ऑपरेशन उस दिन किए गए थे, और 65 ऑपरेशन एक ही डॉक्टर ने किए थे। वहीं सिविल सर्जन ने जब हमने इसको लेकर सिविल सर्जन से बात की, तो उनका कहना है कि नॉर्म्स के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है, 65 ऑपरेशन एक डॉक्टर नहीं कर सकता है, एक डॉक्टर सिर्फ 12 से 15 ही ऑपरेशन कर सकता है। तो आपको हम दिखा सकते हैं किस तरीके से मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल की स्थिति है। और कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है, कर्मचारियों ने साफ कहा है कि हर रोज़ जिस तरीके से ऑपरेशन किया जाता है उसी तरीके से उस दिन भी ऑपरेशन किया गया, लेकिन दर्जनों लोगों की आंख की रोशनी कैसे चली गई ये जांच का विषय है। और जांच की जा रही है, जांच के बाद ही आई की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस अस्पताल को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है और प्रशासन कार्रवाई में जुटा हुआ है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।